दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ की एक और ज़बरदस्त और एक्शन से भरपूर फिल्म की, जो कि बहुत जल्द ही रिलीज़ होने वाली है, जिसका नाम है कलवन। इस फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। फिल्म में हीरो के रोल में आप लोगों को जेवी प्रकाश देखने को मिलेंगे, जिन्होंने फिल्म में कुमार का रोल अदा किया है। उनके साथ ही इस फिल्म में हीरोइन के रोल में आप लोगों को एवाना देखने को मिलेंगी। उनके साथ ही दोस्तों फिल्म में दीना एक अहम रोल अदा करते हुए नज़र आएंगे। फिल्म की अगर ज़बरदस्त किस्म की कहानी की बात कर ली जाए तो फिल्म में साउथ के गांव में ऐलान किया जाता है कि कोई भी जंगल की तरफ ना जाए, क्योंकि वहां पर एक जंगली हाथी आ गया है। लेकिन हीरो और उसका दोस्त सबसे छुपकर ख़तरे के बावजूद उस जंगल में जाते हैं, ताकि किसी तरह इस हाथी को ट्रैप करके उसको पकड़ लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ट्रेलर से अब ये बात कंफर्म नहीं होती कि हीरो इस हाथी को क्यों पकड़ना चाहता है। क्या वो इसे पकड़कर बेचना चाहता था? क्योंकि हीरो को एक नौकरी के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, तो हो सकता है कि हीरो इतना ख़तरा पैसे के लिए उठा रहा हो। इस फिल्म में एक और अहम नाम है, जो कि विनोद मुन्ना का है, जो कि एक अहम रोल में नज़र आएंगे, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करने वाले हैं इस फिल्म में। तो दोस्तों, इस फिल्म का एक ट्विस्ट से भरा और सस्पेंस नाक एंड होगा, उसको जानने के लिए दोस्तों आपको ज़रूर फिल्म को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर इस ज़बरदस्त एक्शन से भरपूर फिल्म की डायरेक्शन की बात कर ली जाए तो इसको पीवी शंकर ने डायरेक्ट किया है और इस फिल्म को प्रोड्यूस जय दिलीप बाबू ने किया है। और इस फिल्म का बजट दोस्तों 15 करोड़ से भी ज़्यादा का रखा गया है। और इस फिल्म के दोस्तों अगर स्क्रिप्ट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को शंकीर और रामेश की तरफ से इसकी स्क्रिप्ट को लिखा गया है। और अगर दोस्तों इस फिल्म की रिलीज़ डेट की बात कर ली जाए तो इस फिल्म को 14 अप्रैल 2023 को रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।